एक नगर में भगवान शिव का मंदिर था। उसी नगर में भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त रहता था। दिन रात भगवान की पूजा अर्चना करता। दिन भर उसके मुंह पर एक ही नाम रहता था, वो भी भगवान शिव का। सुबह उठने से पहले और रात को सोने तक केवल ओम नमः शिवाय का ही जप करता रहता था। सुबह उठकर सबसे पहले शुद्ध जल लेकर भगवान शिव को स्नान कराता, उनकी पूजा पाठ करता और फिर अपना काम शुरू करता। वह आदमी अपनी हर कठिनाइयों में भगवान शिव जी को याद करता और अपनी सारी परेशानी भगवान पर छोड़ देता, और भगवान शिव जी भी उसकी किसी न किसी रूप में हमेशा मदद करने आ जाते। भगवान शिव भी उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न थे। एक दिन उस भक्त के मन में भगवान शिव के बड़े धाम जाकर भगवान शिव जी के दर्शन करने की आशा जागी, तो उसने निर्णय किया कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पैदल ही जाएगा। उसने बिना देरी किए अपने कुछ कपड़े लिए और निकल पड़ा शिवधाम। भगवान शिव का नाम स्मरण करता हुआ निरंतर अपने रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते थक जाता तो किसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर विश्राम कर लेता और फिर चलने लगता। उसे भूख और प्यास लगती तो रास्ते में कुछ फल खा लेता और नदी या तालाब मिलने पर पानी पी लेता। वह निरंतर भगवान के दर्शन की जिज्ञासा में आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह भटकता हुआ एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर बहुत ही अकाल पड़ा था और दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। उसे उस जगह पर बहुत कठिनाइयां मिली, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में भगवान के दर्शन की लालसा थी। चलते चलते उसे बहुत जोर की भूख लगी, लेकिन कहीं दूर तक कुछ खाने को नहीं मिला। वह उदास होकर पेड़ की छांव में सो गया। तभी एक आदमी अपने साथ एक पोटली में कुछ फल लेकर आया और उसकी उदासी देखकर बोला, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? भक्त बोला, जोरों की भूख लगी है, लेकिन दूर तक कुछ खाने को नहीं मिला। तभी उस आदमी ने वह पोटली भक्त को दी और वहां से चल पड़ा। भक्त ने पोटली के सारे फल खा लिए और फिर चल पड़ा, लेकिन ये भी नहीं सोचा कि इतने सुनसान जगह पर कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, तो अचानक ये फल वाला कहां से आ गया। और अपने रास्ते पर चल ही रहा था कि उसे फिर जोर की प्यास लगी। उसने दूर दूर तक पानी तलाशा, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। अकाल जो पड़ा हुआ था, कई सालों से उस जगह बारिश नहीं हुई थी। वह पानी से तड़पता हुआ निराश होकर बैठ गया। तब वही फल वाला आदमी अपने हाथ में पानी का कमंडल लेकर आया और उसे पिलाया। भक्त उसे देखकर बोला, तुम अभी मुझे फल खिलाकर गए थे और अब पानी लेकर मेरे सामने आ गए? यहाँ तो दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है और तुम कहाँ से पानी लेकर आए? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, सच्चे भक्तों के हमेशा भगवान साथ ही रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। इतना कहकर वह आदमी कुछ दूर जाकर गायब हो गया। भक्त को समझ में आ गया कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव है जो मेरी मदद करने आए हैं। अब वह भक्त बिना किसी परेशानी के भगवान शिव जी के धाम पहुँच गया। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान हमेशा भक्त के साथ खड़े हैं। कई बार अपने जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद भगवान सब ठीक कर देते हैं। भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं जो ज्यादा सहनशील होता है। तभी तो कहते हैं कि भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे मुश्किलों से रगड़कर साफ करते हैं। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये शिक्षावर्धक कहानी आपको पसंद आई होगी, और इसी तरीके की और कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।